और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के सदस्यों की तस्वीर लगाने के बारे में। हर घर में तस्वीरों तो जरूर लगी होती हैं, आपके घर में भी लगी होंगी। पुराने ज़माने में जब फोटोग्राफी नहीं होती थी तो लोग हाथ से बनी चित्रकलाएं या तस्वीरें अपने घरों में लगाते थे, लेकिन आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, अब फोटो खींचो और लगाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैशन या आधुनिकता के चक्कर में आकर हम घर में ढेर सारी तरह तरह की तस्वीरें तो लगा लेते हैं और वो अच्छी भी होती है, पर इन सब के चक्कर में अपनी और अपने अपनों की तस्वीरें लगाना भूल जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर में प्रसन्न मुद्रा में एक साथ खींची हुई परिवार के सारे सदस्यों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे जब भी घर का कोई सदस्य उन तस्वीरों को देखता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, सबके बीच प्यार बढ़ता है और सामंजस्य बना रहता है। वहीं अगर तस्वीर की दिशा की बात करें तो इसके लिए दक्षिण पश्चिम दिशा का कोना सबसे अच्छा होता है, इससे उस तस्वीर की पॉजिटिविटी और भी बढ़ जाती है। आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। अगर पूरे परिवार को यश चाहिए तो दक्षिण दिशा में लाल रंग के फ्रेम में करके लगा लीजिए, यश मिलेगा, पूरी फैमिली को एक साथ यश मिलेगा। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के सदस्यों की तस्वीर लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।